नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। मीट की दुकानें लगाए जाने को लेकर विधायक को एक ज्ञापन इन दुकानदारों ने सौंपा है। उनका कहना है कि रविवार के हाट बाजार में उनका स्थान सुनिश्चित किया जाए। हालांकि हम आपको बता दें कि रविवार के बाजार में जैसे ही बाजार की शुरुआत होती है, शुरुआती स्तर पर ही मीट की दुकानें दोनों तरफ लगी रहती हैं, जिसकी वजह से लोगों को वहां से गुजरना ही मुश्किल हो जाता है और लोग नाक मुंह सिकोड़ते हुए बाजार के अंदर प्रवेश करते हैं। लेकिन यहां पर लोगों द्वारा विधायक से मांग की गई है कि उनके लिए स्थान सुनिश्चित कराया जाए, क्योंकि ये छोटी मोटी दुकान चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। लोग मुर्गा मछली बकरा वगैरह सब बाजार हाले करते हैं, और पज्जन चाचा के यहाँ इसलिए आए कि आश्वासन से और कि वो हमारी सहायता करेंगे। क्या है कि बाजार हाट मतलब नहीं लगाने दे रहे हैं, और हम लोग बरसों से अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ पर काम करते चले आ रहे हैं, और अब वो कह रहे हैं कि वहाँ बाजार हाट नहीं लगाइए, अब मंडी जाइए, कहीं यहाँ जाइए, वहाँ जाइए। अब मैं छोटा व्यापारी हूँ, 1500-2000 की पूंजी लगा के 2-4-5 सौ रुपये कमा के अपने बाल बच्चे पाल रहा हूँ। अब इस बीच से अगर हम वहाँ से हटा के किसी थोक मंडी या कहीं भेजा देते हैं तो हम लोग तो मर जाएंगे, इस वजह से हमारा पालन नहीं हो पाएगा। कोरोना के हिसाब से तो हम लोग बहुत डिस्टेंस रखते हैं हम लोग, और काफ़ी डिस्टेंस रहता है हम लोगों के बीच में। ग्राहकों के भी मास्क वगैरह लगा के आते हैं सब लोगों को, और जिसको खाना है तो वो अपने यहाँ पर घर ले जाके बना कर खाता है, वहाँ पर दूरी रहती है। इस मामले में कुछ ऐसा नहीं है।